हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम रविंद्र और स्वागत है भाई आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं हुंडई वर्ना 2023 का बिल्कुल फेसलिफ्ट अपडेटेड मॉडल हमारे सामने खड़ा हुआ है। कमाल की बात यह है दोस्तों, इस कार के अंदर अब आपको 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, प्लस में 5 स्टार आपको चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों हुंडई के अंदर अच्छी प्रीमियम सेडान के अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलेगी, मतलब सेफ्टी भी, फीचर भी, प्रीमियमनेस भी, सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है हुंडई वर्ना के अंदर। 6 एयरबैग इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलते हैं, बेस से लेकर टॉप मॉडल सभी के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने के लिए मिलेंगे। एक कमाल की बात ये है दोस्तों, हुंडई की वर्ना ही नहीं, कोई भी गाड़ी हो, i10 हो, ओरा हो, या कोई भी गाड़ी हो, छोटी से लेकर बड़ी वेन्यू तक लेके सभी गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अभी हुंडई ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि सभी गाड़ियों में हुंडई अब 6 एयरबैग देगी। बेस से लेकर टॉप मॉडल सभी के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। अभी हमारे सामने वरना है, इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पूरी DRL लाइट कनेक्टेड देखने के लिए मिलती है फ्रंट पे, और नीचे आपको ट्राइबेम सेटअप में हेडलाइट देखने के लिए मिलती है, हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और आपको ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आपको फ्रंट की ग्रिल देखने के लिए मिलती है। हुंडई का लोगो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट पे, काफी अच्छी लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अलॉय व्हील का साइज अगर बात करें तो भाई 16 इंच का टायर साइज मिलता है, और डायमंड कट अलॉय व्हील आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। अगर टायर सेक्शन की बात करें तो भाई इसका जो टायर सेक्शन है 205/55R16 का आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर भाई इसमें ये नेचुरल स्प्लिटेड इंजन है 1.5 लीटर का, इसमें अगर हम टर्बो इंजन लेते हैं तो उसका जो अलॉय व्हील है वो ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने के लिए गाड़ी में मिलते हैं। इंडिकेटर्स भाई मिरर पर ही देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि ये भाई सेकंड टॉप मॉडल है। उसके बाद आपको ये डोर हैंडल्स है, क्रोम नहीं कह सकते, कुछ एलिमेंट अलग सा है, बाकी काफी अच्छे आपको फिनिशिंग यहाँ देखने के लिए मिलती है। क्रोम भी नहीं है, थोड़ा सा सिल्वर फिनिश के अंदर दे रखा है, और आपका पुश बटन स्टार्ट है, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का सेंसर आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाता है। सनरूफ आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, शार्प फिन एंटीना आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर, और यहाँ बैक पिलर से लेके फ्रंट तक आपको पूरा यहाँ पर ये सिल्वर मेटल की फिनिशिंग आपको यहाँ तक देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है। वहीं भाई अगर हम बात करते हैं रियर लुक के बारे में, तो भाई दोस्तों ये है इसका गाड़ी का रियर लुक। अब रियर से बताना भाई कैसी लग रही है आपको गाड़ी है। रियर में भी जैसे ही फ्रंट पे कनेक्टेड लाइट है, सेम आपको रियर से भी पूरी कनेक्टेड लाइट देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और लुक बताओ भाई, फ्रंट का अच्छा था या बैक का, कमेंट बॉक्स में फटाफट आप हमें एक बार जरूर बता दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसे वरना लिखा मिल जाता है, और उसके ऊपर ग्लास का एक पैनल भी दे रखा है। उसके बाद भाई काम उसके बाद इसके अंदर कैमरा वगैरह सब आपको इनबिल्ट देखने के लिए मिलता है। बूट स्पेस भी इसमें काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, बाकी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा कि भाई कितना इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी आपको देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है। पार्किंग सेंसर फ्रंट रियर दोनों में ही आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो भाई ये कुछ ओवरऑल इसका साइड लुक है, साइड से भी काफी अच्छी बेहतरीन गाड़ी लग रही है। चलते समय भाई इसकी रोड की जो ग्रिपिंग है बहुत ही शानदार है, चिपक के चलती है रोड पे, और काफी अच्छी रोड प्रेजेंस मेरे को इस गाड़ी की पर्सनली लगी। मैंने टेस्ट ड्राइव करी, मैंने फील करी। दोस्तों इस गाड़ी को आपने अगर टेस्ट ड्राइव ले रखी है, चला के देख रखी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई इसकी रोड प्रेजेंस और ग्रिपिंग कैसी है। तो भाई दोस्तों इस गाड़ी के प्राइस की बात कर लेते हैं। गाड़ी का जो प्राइस है 12,98,500 रुपए एक्स शोरूम कीमत है। वहीं भाई ऑन रोड की बात करें तो लगभग ये 14.5 से 15 के बीच में आपको देखने के लिए गाड़ी ऑन रोड कंप्लीट मिल जाती है। हुंडई की तरफ से अभी इस पे कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं आ रखा है, बाकी फेस्टिव सीजन आने वाला है तो काफी अच्छे ऑफर इस कार पे भी आपको डीलर की तरफ से मिल सकते हैं। तो भाई दूर से अगर देखें ना इस कार को, तो ये कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलती है। भाई लंबी सी काफी अच्छी लेंथ है, और भाई अच्छी लुक आती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक कार खड़ी हो, काफी अच्छा लुक इसमें देखने के लिए मिलता है। एक बार आपकी क्या राय है भाई कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना। दोस्तों अभी गाड़ी चारों साइड से देख ली, आगे पीछे से सब जगह से, एक बार है ना गाड़ी के अंदर और चलते हैं, वहां भी देखते हैं भाई कैसा इंटीरियर दिखता है। और अभी है ना रात का भी समय हो गया है, मतलब है ना कुल मिला के, तो नाइट में हमें पता भी लग जाएगा भाई नाइट के टाइम में इसकी जो लाइट वाइट्स है उसे देखने से कैसी क्या फीलिंग आती है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये भाई डोर ओपन करा हमने, तो ये कुछ इस तरीके से आपको भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। यहाँ पर पूरा इंटीरियर आपको कुछ हिसाब से देखने के लिए मिलता है। एम्बियंट लाइट भी इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है, देखो थोड़ा सा ना एम्बियंट लाइट की लाइटें भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर डोर पैनल है, चारों पावर विंडो, सेंटर लॉक, ये सारे जो फीचर स्टैंडर्ड आते हैं सभी में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है भाई, हार्ड टच मिलता है सब जगह, कहीं पे भी सॉफ्ट नहीं है एसएक्स मॉडल के अंदर।
और जो ड्राइवर की साइड की जो ये सीट है ये आपके हाइट एडजस्टेबल है और मैनुअल ही आगे पीछे होती है। 6 एयरबैग इसके अंदर स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो भाई, तो इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद भाई क्लस्टर की बात कर लेते हैं, तो ये क्लस्टर है भाई इस गाड़ी का, ठीक है। और पूरा डिजिटली आपको देखने के लिए मिलता है, म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है और टच स्क्रीन का है, कैमरा वगैरह सब आपको इसके अंदर इनबिल्ट देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ऑटो क्लाइमेट एसी आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और भाई ये देखो इसकी जो पूरा ना लाइट वाइट यहाँ पर ब्लू रेड काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये एम्बियंट लाइट आप देख रहे हो भाई, काफ़ी अच्छा नाइट के टाइम में माहौल सा बना देती है। गियर नोब आपको इस तरह से मिलती है, पहला गियर रिवर्स आपका उठा के लगेगा यहाँ पर। और भाई आपको 6 गियर स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। आर्म रेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है, सनरूफ भी आपको मिल जाता है। सनरूफ आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और यहीं से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये शेड है भाई, शेड आपको हाथ से ही बंद करनी पड़ेगी। उसके अलावा भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह सब आपको यहाँ मिलते हैं गाड़ी के अंदर। और आपका पूरा म्यूजिक सिस्टम का जो पूरे कंट्रोल है वो आपको स्टीयरिंग पे देखने के लिए मिलते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद भाई अगर हम बात करें इसमें, तो टिल्ट के साथ साथ आप उसको, तो इसमें भाई स्टीयरिंग की बात करें तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग देखने के लिए मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल सब आपको यहाँ पर देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है। अभी दोस्तों स्पेस की बात करें तो काफी अच्छा भाई है, जो हेडरूम है वो भी काफी अच्छा है, फ्रंट पे थाई सपोर्ट भी काफी अच्छी है कुल मिला के। और भाई जो रोड की ना बोनेट वगैरह सब इतना कुछ दिख नहीं रहा, काफी अच्छा सडान वाली प्रॉपर फीलिंग हमें इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। और भाई वरना की अगर बात करें तो भाई वरना एक प्रॉपर आप मानते हो कि भाई इंस्टाग्राम की क्वीन कहा जाता है, क्वीन ऑफ सडान इसे बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या नाम है इसका, तो वरना भाई अपने आप में वरना ही है, ठीक है। अभी भाई हेडरेस्ट की बात करें तो फ्रंट के दोनों एडजस्ट आपको मिलते हैं, रियर के भी एडजस्ट मिलते हैं। रियर में भी आपको कप होल्डर वगैरह और आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो एक बार पीछे और चलते हैं, वहां भी देखते हैं भाई क्या कुछ कंफर्ट लेवल कैसा है, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो भाई की बात करें तो कुछ हिसाब की दो स्मार्ट की आपको देखने के लिए मिल जाती है, लॉक अनलॉक और बूट होल्डिंग का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर भी आपको एलईडी लाइट्स देखने के लिए मिलती है, जो व्हाइट कलर की विजिबिलिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलती है। और आपको यहां पर सनग्लास होल्डर भी गाड़ी के अंदर, भाई सनग्लास होल्डर इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। केबल लाइट आगे भी है और पीछे भी है। तो भाई अभी रियर से बात करें तो रियर एसी का वेंट आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर, तो भाई रियर से अगर बात करें तो रियर एसी का वेंट मिलता है। और यहाँ पर देखो जो चार्जिंग करने के लिए सॉकेट दे रखे हैं, पोर्ट दे रखे हैं, वहां पर भी लाइट का इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, पीछे भी अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिलता है, खूब स्पेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। भाई साहब ये देखो बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है, हेडरूम भी काफी अच्छा है। तो कुल मिला के भाई कम्फर्ट लेवल में एक नंबर गाड़ी है, कोई डाउट ही नहीं है कैसा भी। बाकी आप अपना ओपिनियन बताओ भाई, आपको कैसी लगती है गाड़ी। भाई मुझे तो पर्सनली ये सेडान जो क्वीन हमारे सामने खड़ी हुई है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और काफी अच्छी चलाने में भी बहुत अच्छी है। आप अपनी सलाह बताइए, आपकी राय बताइए भाई, ये गाड़ी का क्या मार्केट में रिव्यू है, नई वाली का या पुरानी वाली का, कैसी लगती है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताना। नेचुरल स्पिरिटेड इंजन इसके अंदर आता है 1.5 लीटर का, डीजल इसमें नहीं आता है और एक टर्बो इंजन भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन में आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। फुली लोडेड फीचर्स के साथ ये लैस है गाड़ी। अब सेफ्टी भी इसके अंदर 5 स्टार दे दी गई है, मतलब फीचर्स भी सेफ्टी भी सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, भाई पर्सनली बता रहा हूं काफी अच्छा फीडबैक है, गाड़ी आप ले सकते हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सेफ्टी भी मिल गई और फीचर्स भी बहुत सारे भर भर के मिलते हैं। तो कुल मिला के गाड़ी भाई एक नंबर है आज के इस टाइम में, तो आप इस कार पे जा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से था इस कार का वॉक अराउंड वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।